हेलो दोस्तों, अज आप वीडियो बनाने लगे हैं तो नैक्सट वीडियो जिड़ी की MITT कॉलेज दी है। तो अज आप वीडियो के डिस्कस करेंगे MITT तो MITT के पोस्ट सेकेंडरी कोर्स साइंस स्टूडेंट प्रोवाइड करता है या ऑफर करता है जिन्होंने साइंस के प्लस टू की हुई है। तो उन्होंने कि स्पैशली उन्होंने जिन्होंने नॉन मेडिकल की हुई है। नॉन मेडिकल मीन्स जिन्होंने प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नाल की हुई है। तो अब आप उन्होंने MITT कोर्स प्रोवाइड करता है वो बारे वीडियो बनावे। आप कोर्स के अगे जाने तो पहला मैं कुछ गल्लां शेयर करनी चाहता हाँ। स्पैशली मैं ये वीडियो जो भी बना रहा ना कि मैं किसी कॉलेज प्रमोट कर रहा हाँ भी MITT कॉलेज बारे मैं दस रहा हूँ कोर्स बारे। स्पैशली मैं ये इसलिए बना रहा हाँ क्योंकि भी जेडे इंटरनेशनल स्टूडेंट आ वो एजेंट को जाते हैं। आपको सारे पता कि आप फाइल वगैरह एजेंट तो ही बनाने हैं तो जो भी तैयार करवाने हैं तो करवाने भी चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता होंगे कंफ्यूजन के डर तो आप बनाने हैं। पर मेन गल ये है कि स्टूडेंट पहला एजेंट को जाने तो पहला ही सर्च मारन भी मेरा कि इंटरेस्ट आ कंप्यूटर लाइन के मकैनिकल लाइन के इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल लाइन के इस करके सर्च कर लें। मैं उन्होंने बना रहा भी इस किमें सर्च करनी है किमें नहीं वगैरह तो इसलिए मैं बना रहा ना कि मैं किसी कॉलेज को प्रमोट कर रहा। मैं सारे कॉलेज बारे बनाऊंगा स्पैशली जिन्ना मैंने पता बिल पिक देना किसी कॉलेज बारे स्पैशली मैं फोर कॉलेज बारे बनाऊंगा। तो सैकेंड थिंग मेरी वीडियो शेयर कर दो तो सब्सक्राइब भी कर दो जिड़ी कि मैं मोटिवेशन मिलेगी न्यू वीडियो होर वीडियो बनाने के खातर। स्पैशली शेयर उन्होंने करो ये उन्होंने भी जिड़े कैनेडा भी आ चुके हैं स्पैशली उन्होंने भी जिड़े इंडिया बैठे ने कैनेडा आना चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं प्लस टू की है स्पैशली ग्रेजुएशन की है उन्होंने ये आई थिंक बेनिफिट ने ज़्यादा तो प्लीज उन्होंने शेयर कर दिया जाए। थैंक यू। नेक्स्ट अज आप गल करते हैं MITT कॉलेज कि पोस्ट सेकेंडरी कोर्स प्रोवाइड करता है स्पैशली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को। ये पोस्ट सेकेंडरी MITT कॉलेज डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा एंड पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट। तो आप पहला गल करते हैं पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा। पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा ये फोर स्पैशली फॉर ये होर भी करता गा ये पर अज मैं डिस्कस करूँगा वो जिन्होंने नॉन मेडिकल किया नॉन मेडिकल रेलीवेंट 100% रेलीवेंट कोर्स ने तो उन्होंने मैं गल करूँगा। पहला करता गा पहला कोर्स हैगा नैटवर्क एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सैकेंड कोर्स हैगा नैटवर्क सिक्योरिटी डिप्लोमा। थर्ड कोर्स हैगा साइबर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा एंड फोर्थ कोर्स हैगा सॉफ्टवेयर डिप्लोमा। जिड़े कि कंप्यूटर लाइन के जाने जाना चाहते हैं आफ्टर प्लस टू इन नॉन मेडिकल इस तो बाद कंप्यूटर लाइन इंटरेस्ट आ MITT कॉलेज बिल लेके चलना चाहते हैं उन्होंने ये फोर कोर्स ने कंप्यूटर लाइन के लिए। तो इस तो बाद MITT पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता उसमें पता ही है कि डिप्लोमा के सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होंगे थोड़ा फर्क है वैसे होंगे सेम ही है। तो पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स ने इन्हें ट्रेड स्किल्स भी कहा जाता है ट्रेड्स के अलावा जी जॉब लेवल इन्होंने करके मतलब ईजली वगैरह हो जाती है। तो उन्होंने है जिड़े आप उन्होंने भी डिवाइड करते हैं जिन्हें मैं कंप्यूटर लाइन पहला दसिया चार कोर्स ने उन्होंने जिड़े मकैनिकल इंट्रस्ट रखते हैं जिम्मे आप प्लस टू तो बाद मकैनिकल भी बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं या कंप्यूटर भी करते हैं एम ए प्लस टू तो बाद भी स्टूडेंट का होंगे कि आप मकैनिकल इंट्रस्ट आ कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल। तो इसलिए इस तो बाद जिन्होंने मकैनिकल इंटरेस्ट आ उन्होंने सर्टिफिकेट आ मतलब पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट आफ्टर प्लस टू। फर्स्ट है ऑटो मकैनिक्स दूसरा कैड टेक्नीशियन चौथा है मोटोस्पोर्ट टेक्नीशियन
चौथा हैगा इंडस्ट्रियल मैकेनिक, ते चौथा हैगा पांचवा हैगा इंडस्ट्रियल वेल्डिंग। ठीक है, तुसी देख सकते हो ऑटो मैकेनिक्स, कैडेट टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, मोटो स्पोर्ट टेक्नीशियन। ये आपां जिन्हां ने मैकेनिकल दे विच जाना होगा, मैकेनिकल दे विच इंटरेस्ट का, ये तुसी सर्टिफिकेट कोर्स प्लस टू तो बाद विद नॉन मेडिकल लै सकते हो। ते इस तो बाद सर्टिफिकेट आ जाते हैं, जिवें तुसी इलेक्ट्रॉनिक्स ते इलेक्ट्रिकल दे विच जाना तां तुहाडे कोल रहि गया कोर्स इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। ठीक है, ये तुसी तुहाडे इंटरेस्ट दे हिसाब नाल पर लै सारे सकते हो, क्योंकि नॉन मेडिकल दे विच प्लस टू दे विच तां सेम सब्जेक्ट होंदे आ तिन्नों। इस तो बाद पर थोड़ा इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि तुसी कंप्यूटर लैब से जाना चाहते हो, तो कंप्यूटर लैब के विच जे तुसी मैकेनिकल दे विच ए आदि कोर्स तो आपां लै सकते हो। कोई उन्ना नहीं है जिहड़े नॉन मेडिकल कीते आ, फिजिक्स केमिस्ट्री ते मैथ दे नाल। चलो आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा और ही करते हैं, जिवें पहला गल कीती सी पहले पहले कोर्स भी करते हैं पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा। ए कंप्यूटर का कोर्स है, साइबर डिफेंस एंड क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा। आप पहले ये बारे डिस्कस करते हैं, पहले आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट है, कि फीस है, तो कि सब्जेक्ट है, पहले यानी कि इस करके तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए भी सब्जेक्ट असं कर लेंगे। ठीक है, ये एक टू ईयर का डिप्लोमा है, स्पेशली आप देखते हैं कि प्लस टू के बाद अपन टू ईयर का डिप्लोमा लेना बैटर होंगे ना, क्योंकि फिर अपन टू या थ्री ईयर का वर्क परमिट मिल जाएगा। चलो जी आप देखते हैं, टू ईयर का डिप्लोमा है, 20 मार्क्स ऑफ स्टडी है ये डिप्लोमा का। ये ट्यूशन फीस है जी, ये ट्यूशन फीस है जी 20 से 21 के लिए है 6,350 पर ईयर, मतलब 1 ईयर की फीस है। तो ये लिए थोड़िया रिक्वायरमेंट की नहीं है, थोड़ी की अकेडमिक होनी चाहिए। ठीक है, तो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट की नहीं है, तो प्लस टू करी होनी चाहिए है, मैथ ग्रेड मैथ स्पेशली इन्होंने लिखा है कि मैथ होना चाहिए थोड़े को। मैथ की है उपर पता है नॉन मेडिकल होंगे 50% या इस तो हायर होना चाहिए, 50% या इस तो हायर इंग्लिश के बच्चों, इंग्लिश के बच्चों 50% मार्क्स होने चाहिए या इस तो हायर। पर ये तो एक टेस्ट देना पड़ेगा इस कोर्स सिलेक्ट करने तो पहला MITT दे, इस टेस्ट को कहते हैं पैट, पैट टेस्ट है। तो ये प्रोग्रामिंग टेस्ट होंगे, प्रोग्रामिंग असैसमेंट टेस्ट, ये थोड़ा इन्हों को टेस्ट होंगे गा। इसलिए इस कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले एडमिशन लेने से पहले ये टेस्ट क्लीयर करना पड़ेगा, तो यदा रिजल्ट वगैरह सूँ MITT में सेंड करना पड़ेगा, जब किसी MITT कॉलेज दे सकते हैं या होर भी सेंड करना। तो ये आप देखते हैं ये इनटेक देख लेते हैं, इनटेक है फॉल 2020, नेक्स्ट स्टार डेट है फॉल 2020। तो डे क्लासेस भी ने, इवनिंग क्लासेस भी, मतलब डे टाइम भी होंगी है, तो शाम डे टाइम्स भी होंगे, इवनिंग टाइम्स भी बैच होंगे ने, तो तुम आपका सिलेक्ट कर सकते हो। जो डे टाइम्स होंगे ये 8:45 PM तो लैके 3:15 PM तक होंगे, जो इवनिंग क्लास होंगे 3:30 PM तो लैके 9:30 PM तक होंगे, जो डे होंगे 8:55 AM तो लैके 3:15 PM तक होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है कि आपकी डे वाली शिफ्ट लेनी है इवनिंग लेनी है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਿੰਕਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜੋ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਆਫਿਸ 365 ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, कैपस्टोन,
मैनेजिंग एक्सचेंज सर्वर, विंडो एडवांस, सर्वर एडवांस, एडवांस मिनलेट्स, स्क्रैपिंग, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन, ट्रैपिंग, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिंग, वायरलेस नेटवर्किंग, फायरवॉल एप्लीकेशंस, वेब वायर वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फॉरनेसेस, क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्लाइड पेंट्रेशन टेस्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर आईटी स्टूडेंट, क्लाउड डिफेंस एंड क्लाउड एस्टिमेशन प्रैक्टिसिंग, सिस्को सीसीएनए लेवल 1, सिस्को सीसीएनए लेवल 2, ए प्लस आईटी इंस्टेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल जिन्हें सीसीएनपी भी कह देते हैं। ये थोड़ा सारे सब्जेक्ट इस कोर्स के विच पढ़ाए जाएंगे। ये 2 ईयर का कोर्स है, तुम ले सकते हो कोर्स। फिर नेक्स्ट आप गल करते हैं अपना सेकंड कोर्स है, जरा ये गल करते हैं सेकंड कोर्स का। सेकंड कोर्स की है कि अपना पहला ये डिस्कस की सी, और आप करते हैं नेटवर्क कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। नेटवर्क कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा का, इन्हू भी आप ले सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ। ये 1 ईयर का, वो 2 ईयर का सी, ये 1 ईयर फुल टाइम 10 मंथ स्टडी है। तो ये सर्टिफिकेट है, वो डिप्लोमा से सर्टिफिकेट है। इसकी फीस होगी, ट्यूशन फीस 16,350 350 20 से 21 मिली पहला घट होंगी इस फीस होने मैंने बता दिया। तो इंडिया की एंट्री रिक्वायरमेंट आई थिंक सेम ही ने, थोड़ी ग्रेड मैथ मैथ प्लस टू के मैथ होना चाहिए, वो भी 50% या 50% तो हायर ग्रेड मैथ, इंग्लिश या 50% 50% तो हाई है। ये भी सामने पैट जरा एग्जाम टेस्ट आ, प्रोग्राम असैसमेंट टेस्ट आ, वो टेस्ट देना पड़ेगा। पहला एडमिशन लेने पहला तो रिजल्ट सेंड करना पड़ेगा अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के नाल MITT कॉलेज में। तो हम आप देख लेने हैं भी आप ये कि सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कंप्यूटर्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये भी विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन कर कॉन्फ़िगरेशंस, विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स फंडामेंटल्स, नेटवर्क एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कैपस्टोन, मैनेजिंग एक्सचेंज सर्वर, अप्लाइड नेटवर्क एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सिस्को सीसीएनए लेवल 1, सिस्को सीसीएनए लेवल 2, ए प्लस आईटी एसेंशियल, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल एंटरप्राइज सीसीएनपी की कह देने हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ये 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है, ते 10 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कंप्यूटर लैंस के जाना चाहते हैं। इधर है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी डिप्लोमा। ये डिप्लोमा का नेटवर्क सिक्योरिटी डिप्लोमा, ये 13 मंथ ऑफ फॉल डिप्लोमा का, 13 मंथ ऑफ फॉल डिप्लोमा, मतलब 1 ईयर 1 मंथ का ही। तो वन ईयर का, तो ये भी एंट्री रिक्वायरमेंट यही नहीं है, प्लस टू के मैथ होना चाहिए 50% या 50% ज़्यादा। तो ये कोर्स के इंग्लिश 50% या 50% तो ज़्यादा होने चाहिए। ये कोर्स की MITT कॉलेज की यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग के नाल टाई अप, मतलब उन्होंने क्लासियां कट्ठिया लगे ने यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग के स्टूडेंट दिया, मैनिटोबा की स्टूडेंट भी है, जो MITT कॉलेज के स्टूडेंट आठियां भी लगे क्लासा उन्होंने टाई अप। तो यदि फीस बारे गल इसके इनटेक ऑफ फरवरी 20
24 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਸਕੋ ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਲੈਵਲ 3, ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਏ ਇਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ, ਸਿਸਕੋ ਕੋਲੀਬਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਸੈਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਫਾਰ ਸਰਵਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਥੋਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਰਸ ਐਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਸਿਸਕੋ ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਲੈਵਲ 1, ਸਿਸਕੋ ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਲੈਵਲ 2, ਕੱਪੜੇ ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 1, ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ, 12 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 16,350 ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਪ ਇੰਕਲੂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਪਟੋਪ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ 6,350 ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਮੈਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 50% ਜਾਂ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਬੇਸਿਕ ਓਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਜੂਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ .NET, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲੈਂਗ ਐਂਡ ASP.NET MBS, ਓਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਰੇਸਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਂਡ ਓਰਮ ਕੰਸੈਪਟ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੋਪਿਕ ਇਨ C++, ਲੈਗਰਿਥਮ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਡੈਸਕਟੋਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੈਟਰਨ, ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਐਕਟ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਵਾ ਹੋ ਗਈ, .AS.NET ਹੋ ਗਈ, ASP.NET ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੇ ਸਕਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਇਹ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, 9 ਮੰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, 1 ਈਅਰ ਫੁੱਲ 9 ਮੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 15,600 ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, 20-21 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ,
मैथ होना चाहिए था, मैथ के बच्चों 50% मार्क्स होने चाहिए जो हायर ग्रेड 12th इंग्लिश लैंग्वेज जिसे 50% या 50% तो ज्यादा मतलब 50-50 होने चाहिए मिनिमम, ज्यादा भी ले सकते हो 50% मिनिमम होना है, 50% या 50 ला लो 100 के बीच वो मार्क्स होने चाहिए। तो इधर जो भी इनटेक में फॉल 2020 है, जिधर फॉल 2020 है वैसे सितंबर से स्टार्ट होने लगे हैं, इधर जो भी अगस्त स्टार्ट होने लगा इवनिंग फॉल 2020 के बीच इवनिंग के बीच आएगा, जिधर विंटर 2021 है तो जनवरी स्टार्ट है वो डे इवनिंग टाइम, मतलब डे टाइम भी बैच होगा कोई इवनिंग टाइम भी होगा, ठीक है। डे टाइम इनकी क्लासेस 8:55 AM टू लाइक 3:15 PM, इवनिंग के बीच 3:50 3:30 PM टू लाइक 9:30 PM। फिर नेक्स्ट जेड़ा इनटेक है वो स्प्रिंग 2021 ये अप्रैल क्लासा स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आप सब्जेक्ट अपन कहेंगे पढ़ाए जाने वो भी अपन देख लेंगे। देखो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम एंड सर्वर्स, जस्ट फंडामेंटल एंड सर्वर्स, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एडवांस व्हीकल सिस्टम, ये तो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा ये 9 मार्क के सब्जेक्ट ने, मतलब पूरी डिटेल पढ़ाया जाएगा तुम सब्जेक्ट थोड़े ही लग जाएंगे पर ये पूरी डिटेल काफ़ी काफ़ी टाइम, देखो 120 आवर्स लगेंगे पढ़ाने खातर, तो ये भी बहुत वधिया कोर्स है, तुम जॉब वधिया मिल जूगी, मतलब ऑटो मकैनिक्स जो भी आप जिस लैंग्वेज कही है कि आप गड्डिया वगैरह कार्स वगैरह ठीक करते हैं तो अपनी जॉब वगैरह वधिया मिल सकती है। तो नेक्स्ट कोर्स आगा मैकेनिकल रिलेटेड ही कैड टेक्नीशियन, कैड एक सॉफ्टवेयर होंगे जिधर आप मैकेनिकल कंपनी है कितने भी अपनी कार्स वगैरह कितने भी अपन व्हीकल बनते हैं कितने भी ट्रैक्टर बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां ने, तो उ कैड मतलब सॉफ्टवेयर है वह डिजाइन किया जाता पहला, मतलब कहने मतलब आप फिजिकली कोई भी अपन मॉडल जिमें अपना ट्रैक्टर्स हो गया कार हो गई जो मोटरसाइकिल बनाने तो पहला एक अपन सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन तैयार किया जाता उसमें कहते हैं कैड सॉफ्टवेयर, तो तुम ये कोर्स कैड टेक्नीशियन बारे मतलब पढ़ाया जाएगा, सामने कैड टेक्नीशियन बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर बारे, तो ये भी 1 ईयर का फुल टाइम 9th 10th 10th मंथ ऑफ स्टडी है, तो सर्टिफिकेट कोर्स है ये फीस भी 15,600 2020-21 ईयर के लिए, तो ये भी एंट्री रिक्वायरमेंट आई थिंक सेम ही नहीं है कि ताकि प्लस टू के मैथ होना चाहिए, मैथ 50% तो है मैथ के मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए वो 50% तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी स्टार्ट फॉल 20 भी क्लासेस जो भी होंगे नहीं डे टाइम भी होंगे वो कोई बैच इवनिंग टाइम भी होंगे। नेक्स्ट आएगा जनवरी इनटेक है नहीं स्प्रिंग 2021 अपन के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो भी आप देख लेंगे, ये अपन डिजाइन ड्राफ्टिंग स्टेंसल 1 मैथमेटिक्स भी होगा, कम्युनिकेशन स्किल डिजाइन ड्राफ्टिंग स्टेंसल 2 स्पेशलाइज एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर डिजाइन ड्राफ्टिंग एडवांस आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग इंजीनियर डिजाइन ड्राफ्टिंग एडवांस इंजीनियर डिजाइन ड्राफ्टिंग सिविल डिजाइन ड्राफ्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही है सारे, तो ये तो पढ़ाई जाएंगे। तो नैक्सट आप कोर्स देखते हैं मकैनिकल रिलेटेड ही है, तो वो आप देखते हैं इंडस्ट्रियल मकैनिक, ये भी जिन्हों का इंट्रस्ट मकैनिकल ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है तुम ले सकते हो इंडस्ट्रियल मकैनिक। इंडस्ट्रियल मकैनिक्स ये भी अपन देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 1 ईयर का फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स है, 10 मंथ स्टडी है, ये भी फीस होनी है 15,600 और 20-21 ईयर के लिए, ये भी आई थिंक
एंट्री रिक्वायरमेंट जो भी है सेम ही है, कार्डन मैथ होना चाहिए, मतलब प्लस टू करनी चाहिए, नॉन मेडिकल विच ऑब्वियसली क्योंकि उधर रेलेवेंट ही बन रहा है ना कोर्स, मैथ होना चाहिए, 50% होनी चाहिए मैथ जो जैसे, तो हायर भी होनी चाहिए वो भी, मतलब ऑब्वियसली है, मतलब थोड़ी इंग्लिश होनी चाहिए उधर विच जो भी मार्क्स है 50% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा भी होनी चाहिए जो भी है। फिर इधर आप सब्जेक्ट लिख देने हैं कि लिखते हैं, चलो जी मिल राइट सेफ्टी एंड ओरिएंटेशन टूल्स एंड फर्स्ट ट्रेंड्स ड्राइंग एंड स्केचमेटिक्स मैथमेटिक्स फॉर्मेट राइटिंग रेगलिंग लेफ्टिंग एंड एक्सेस इक्विपमेंट वेल्डिंग वन मेटलाइट थ्योरी वेल्डिंग वन मेटलाइट लैब लेब्स एंड मेल्स क्यूबिक लैब्स ड्राइव सिस्टम वेल्डिंग टू द मेटलाइट थ्योरी वेल्डिंग टू द मेटोग्राफी लैब एलिगमेंट मिलराइट कैपस्टोन प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ये तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। स्पेशली कोर्स मतलब मशीन जो भी अपन इंडस्ट्री के मशीन वगैरह का काम करते हैं, जो भी अपन मशीन के नाल सोलर सारा कुछ असेंबल वगैरह होता है, स्पेशली ये कोर्स है, मतलब अपन किमी करना है लेट्स मशीन होती है तो पता है मैकेनिकल विच यूज की जाती है तो उसके काम वगैरह किमी करना ये कंप्यूटर विच सिखाया जाता है, तो सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर नेक्स्ट हैगा मोटर स्पोर्ट टेक्नीशियन, ये भी मैकेनिकल दे आई थिंक विच ही आ जाता है, मैकेनिकल फील्ड दे विच ही आ जाता है, ये भी 1 ईयर का, 1 ईयर का फुल टाइम 10 मंथ तक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भी फीस 15,600 है अभी 2020 और 21 दे लिए ईयर दे लिए, तो ये भी तुम आई थिंक रिक्वायरमेंट सेम ही होगी, सेम ही है मैथ होना चाहिए इंग्लिश होनी है दोनों के बीचों 50% मिनिमम जैस तो ज्यादा भी तुम्हारे हो सकते हैं, तो ये भी इंटेक ने फॉल 2020 तेरी क्लासेस ने जो डे टाइम में विंटर 2021 फॉल 2021 मतलब स्प्रिंग नहीं है मई इंटेक नहीं होगा ते जनवरी ते सितंबर इंटेक नहीं, तो ये बच्चा का सब्जेक्ट देख लेना कि पढ़ाई करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਸਲ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਇੰਜਨ ਐਂਡ ਐਕਸੋਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਫ੍ਰੇਮ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਫਿਊਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸਲ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਫਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਅਪਲਾਈਡ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ एप्लीकेशन स्पेशली ये आई थिंक मतलब जो भी इंटरनल होंगे जिम्मे अपने कोई भी व्हीकल कोई भी जिम्मे ट्रैक्टर कार है वो इंटरनल के अंदर किमें इंजन वगैरह सारा कुछ जो भी आई थिंक ये उस रिलेटेड सू इंटरनल स्टडी मतलब किसी भी किमें वो किमें असैम्बल वगैरह की होंगे वो बारे सारी जानकारी दी जाएगी इस कोर्स के। नैक्सट हैगा इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, ये भी मैकेनिकल रिलेटेड ही है, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग जिन्हें वेल्डिंग के इंटरेस्ट है तो आदा ये रिलेटेड है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट है सारे रिलेटेड है, तो ये भी 1 ईयर का फुल टाइम 10 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स था, ये ट्यूशन फीस सेम ही है 15,600 2020-21 ईयर के लिए, तो ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 50% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਲ 2020 ਵਿੰਟਰ 2021 ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, बेसिक्स आर्क प्रोड्यूसर, आर्क इंडियन स्पेशली टेक्निकल विच अपन जी अगुन कहने उन आर्क कहने उन दिन टेक्निक्स वगैरह मेटल डिजाइन फैब्रिकेशन ऑक्सी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर बेसिक मेग प्रोसीजर एडवांस मेग प्रोसीजर एडवांस आर्क प्रोड्यूसर एडवांस मेटल डिजाइन फैब्रिकेशन अप्लाई स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन टू टेक ये टेक्निक्स ने वेल्डिंग दिन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ने गल करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स के विच इंटरेस्ट है पहला आप डिस्कस किया कंप्यूटर विच इस तों बाद मैकेनिकल विच इस तों बाद जिन्होंने इलैक्ट्रिकल जां इलैक्ट्रॉनिक्स के विच इंटरेस्ट है तां वो आ दो कोर्स ने इलैक्ट्रिकल एप्लीकेशन ते इलैक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ते इहदे विच कर सकदे हैं इलैक्ट्रिकल एप्लीकेशन ये भी तुसीं लै सकदे हो कोर्स विद साइंस स्टूडेंट विद नॉन मेडिकल ये भी 1 ईयर का फुल टाइम है 9-10 मंथ ऑफ स्टडी है भी ते ये भी फीस है जो 15,150 है भी 2020 and 2021 ईयर दे रहे ते ये भी रिक्वायरमेंट भी सेम ही है भी मैथ इंग्लिश होने चाहिए उन्हें बिचो 50% मिनिमम ना हायर भी उसी जिन्हें मर्जी ला सकते हो ते ਇਹਦੇ ਅਨਟੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਨਟੇਕ ਆ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡੇ 10 ਕਲਾਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਏਸੀ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ Electronic concept and application, DC machines and control system, level 1 practical application, Canadian electrical code level, Canadian electrical code level 2, level 2 practical application, math, science, communication, computers. This subject is electrical application certificate course after plus 2. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਉਸ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਵੀ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ 10 ਮੰਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆ 15,600 2020-2021 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਥ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਥ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਸਰਕਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਿਗਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ MITT ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ 9-10 ਮੰਥ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਆ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ
15,600 1 year भी 20 to 21 year year लिया एरिया भी एंटी डिपार्टमेंट तो आई थिंक नॉन मेडिकल ते मैथ ते इंग्लिश के बीच 50% मिनिमम आया तो ये इंटेक ने फाल ते ये एक्चुअली फाल इंटेक मतलब सितंबर इंटेक ले ले हुंदा होगा ये भी ना ही जनवरी इंटेक हुंदा ते ना ही दा मई इंटेक हुंदा ये हमेशा सितंबर इंटेक ये दे बीच की पढ़ाया जाऊगा मतलब ग्राफिक एंड टेक्निक्स ये दे बीच अपन की पढ़ाया जाऊगा वो भी देख लेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਲੈਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਲੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ MITT ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6 ਓਵਰਆਲ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਅਤੇ ਐਵੇਂ PT ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 54 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 54 ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 58 ਓਵਰਆਲ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ PT ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ 5.5 ਮੈਨ ਸਕੋਰ ਦੀ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੈਕਸਟ ਕੈਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਕਲੋਡ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਕੈਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮੋਟੋ ਸਪੋਰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ MITT ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ MITT ਨੋਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ